नमस्कार साथियों, उदयपुर से उदित होगा देश की उम्मीदों का नया सूर्य। आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की आजादी के संकल्पों के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर पार्टी और देश दोनों को प्रगति और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नए नव संकल्प का दृढ़ संकल्प ले रही है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देशवासियों को हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदयपुर में 13, 14 और 15 मई 2022 को आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्म अवलोकन तीनों चीजें करेगी। साथियों, नव संकल्प का चिंतन क्यों, ये प्रश्न आप लोग भी, कई देशवासी बार बार पूछते हैं। पहला कारण, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 देश के सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति तो एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, पर देश के 84% घरों की आय कम हो गई। 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, खाते में आया नहीं, घर की बचत और लुट गई पिछले 8 साल में। गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत अभी अभी गिरकर, और ज्यादा गिरकर 70.55 हो गई है, यानी 70 रुपया 55 पैसे में आप अब एक डॉलर खरीद पाएंगे। यह 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज, जो आजादी के बाद 68 साल में 2014 तक 55 लाख करोड़ था, वो पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज देशवासियों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। हर हिंदुस्तानी के सर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज की राशि अब 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है।